कैसे आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज आया है अरमान जी का नया सॉन्ग। जिसने नहीं देखा है जल्दी जाके नंबर वन रिकॉर्ड पे गाना देख लीजिए। ना गाना कैसा लगा वो बताना कमेंट में। तो पहले जो है गोलू का एक कमेंट पढ़ने जा रही है, पहला कमेंट जो की अनुज यादव का जी। पहला कमेंट है, पायल दी आपका डायमंड बटन आ गया है क्या? मुझे बहुत इंतजार है डायमंड बटन का। आप सभी फैमिली का ब्लॉग देखती हूँ, लॉट्स ऑफ लव टू योर फैमिली। नहीं जी, अभी बिल्कुल नहीं आया हमारा डायमंड बटन। शायद कोई प्रोसेसर होता होगा। 10 मिलियन तो हो गया, 10 मिलियन 50,000 हो गए हैं, पर अभी जो है अप्लाई का ऑप्शन नहीं आया है। जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। और बाकी घर में जब डायमंड बटन आएगा तो उसकी खुशखबरी तो है आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आया है वो। नेक्स्ट कमेंट है मुस्कान खान का, अरमान जी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज सब दुआ करो कि वो ठीक हो जाए जल्दी से। जी बिल्कुल, अरमान जी की तबीयत बिल्कुल मतलब इतनी ज्यादा खराब नहीं है लेकिन खराब है। बहुत ज्यादा उनको नोज रनिंग हो रही है, पूरा बॉडी दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, फीवर जैसा हो रहा है। तो सब लोग दुआ करें वो जल्दी ठीक हो जाए, घर आ जाए यार। नेक्स्ट कमेंट है राकेश कुमार का, पायल दी गोलू दीदी आप पूजा करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और देखिए पूजा तो हर किसी के घर में होती है, तो हमारे घर में भी होती है। तो नेक्स्ट कमेंट है विजय लक्ष्मी का, पायल बहुत एक्टिव है भाई, और कौन सा काम है जो पायल नहीं कर सकती, बहुत ही माइंडेड है, सारे घर का काम आसानी से मैनेज कर लेती है। ऐसे लोग किसी भी फील्ड में हो सक्सेसफुल रहते हैं। अगर पायल आप पढ़ाई करते हो तो ऑफिसर जरूर बनती। अच्छा, हमेशा खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। विजय जी ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं पढ़ाई में तो बहुत ही खराब थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो ऑफिसर तो कभी नहीं बन सकती थी मैं। लेकिन हाँ, किसी के घर में क्या बताऊँ, इंटीरियर डिजाइनर बन सकती थी मैं, और बहुत सारी चीजें जो मैं कर सकती थी पर मैंने करी नहीं, जैसे की मेकअप आर्टिस्ट बन सकती थी, डांसर बन सकती थी, इंटीरियर डिजाइनर बन सकती थी, फैशन डिजाइनर बन सकती थी, कुकिंग में भी कर सकती थी, पर मैंने वो सब कुछ भी नहीं किया। तो नेक्स्ट है श्रुति आड़े का, दम आलू की रेसिपी। ये रह गई गाइस, ये रह गई कि दम आलू की रेसिपी जो है वो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं हॉस्पिटल चले गई थी। तो मैंने लक्ष्य को समझाया था, लक्ष्य ने बनाई थी वो, लेकिन अगली बार जब मैं जरूर मंगाऊंगी तो जरूर मैं आपको पूरी रेसिपी दूंगी। और सच में बहुत टेस्टी बनती है दम आलू की सब्जी, आप भी ट्राई करना मेरी रेसिपी के बाद। तो नेक्स्ट है काजल पंसोत्रा का, यार आप लोगों का ब्लॉग देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग आपके पास है। सच कहूँ तो मैं तो आप लोगों के पास आकर रहने का दिल करता है। काजल जी ऐसा होता है कि हमने बहुत बार पहले भी बोला है कि जब आप किसी फैमिली को ऐसे रेगुलर देख रहे हो ना तो ऐसे लगता है कि उस फैमिली का हिस्सा है हम, क्योंकि उनकी हर एक चीज, हर एक दुख तकलीफ खुशी वो सब आपको पता रहती है कि हाँ इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये होगा, कल ये होगा, उनके यहाँ परसों ये होगा, तो आप लोग अपडेट रहते हो, इसलिए आपको लगता है कि आप हमारे साथ ही रह रहे हो। तो नेक्स्ट है सुधा रानी का, सही कहा भैया जी आपने, सच में देखकर रायते को मुंह में पानी आ गया, फुल देसी लाइफ, आप ऐसे ही खुश रहा करो सभी। आलू का रायता सच में गाइस बहुत टेस्टी बना था, जिसने नहीं मतलब अब मेरा जैसे मैंने बनाया था रेसिपी दी थी आपको, जिसने नहीं खाया ना आज तक वो जरूर ट्राई करना है, पर बहुत टेस्टी होता है। तो नेक्स्ट है नैना वर्मा का, हेलो मैम आई एम बिगेस्ट फैन, इसलिए मैं आपका ब्लॉग की नोटिफिकेशन आते ही एकदम ब्लॉग देखती हूँ, आई लाइक पायल मैम, लव यू ऑल फैमिली, वेरी क्यूट फैमिली। लव यू टू नैना वर्मा, और थैंक यू सो मच, आपको हमारी फैमिली बहुत क्यूट लगती है, और हमारे व्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपने ऑन किया हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार देते हो हमें। तो नेक्स्ट है यशु स्वीट मोमेंट्स का, हम भी ऐसे ही धूप में बैठकर चूल्हे पर खाना बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनता है, पायल जी अपने खाने की रेसिपी भी दिया करो। जी जरूर, आज हमारे घर में कटहल बन रही है तो उसकी रेसिपी मैं कल वाले व्लॉग में दूंगी, तो वो आप देख लें। तो नेक्स्ट है मोती चौधरी का, पायल दी और गोलू दी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, आप लोग सब साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, अरमान भैया सब काम कर देते हैं, सो क्यूट फैमिली। जी अरमान, मैं और गोलू हम लोग मल्टी टैलेंटेड है, हम हर कोई फील्ड का काम कर सकते हैं, जैसे अगर घर की साफ सफाई हो वो कर सकते हैं, हम बाहर का काम कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, व्लॉग बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, डांस नहीं कर सकते, वीडियो डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये बोल रही थी। तो नेक्स्ट है सुशदीप का, ये चटनी देखकर मुंह में पानी आ गया, आपकी फैमिली मुझे बहुत प्यारी लगती है, लव यू चीकू, लव यू ऑल। थैंक यू सुशी। नेक्स्ट है शिवानी चौहान का, आप सब में बहुत प्यार है, पायल जी बहुत समझदार है, गोलू जी बहुत क्यूट है, माता रानी आपको फैमिली को हमेशा खुश रखे। ये बात तो बिल्कुल सच बात है, पायल बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब की ना मैं एक दिन भी नहीं सोच सकती मैं इसके बिना रहूं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब मुझे ऐसा लगता है की शायद यही है जो समझा सकती है, अगर जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आती ना चीज तो मैं बोलती हूँ पायल बताइयो क्या करना है, पायल ये बताइयो, पायल वो बताइयो, तो पायल मुझे बताती है ना तो मुझे चीज इजी लगती है, और
और वैसे तो मैं काम कर सकती हूँ, बट जब वो समझाती हूँ, डायरेक्शन देती है ना मुझे, तो वो काम मुझे आसान लगता है, नहीं तो वो काम बड़ा मुश्किल लगता है। तो नेक्स्ट है सुनीता चौहान का, अरमान भैया आप दोनों की बहुत केयर करते हो, देख कर बहुत अच्छा लगता है, लव यू पायल दी गोलू दी। थैंक यू जी, बात है अरमान जी, हम दोनों का इक्वल ख्याल रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अभी भी वो बीमार है, पर उन्होंने एक भी मिनट ना हमें अपने पास रुकने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मेरे को कोल्ड वो कफ वो सब कुछ है, तुम्हें ना हो जाए तो तुम लोग घर पे रहो, और वो हॉस्पिटल में खुद से अकेले हैं। तो नेक्स्ट है जरीना बेगम का, आपका व्लॉग बहुत अच्छा लगता है, मैंने अभी देखा, शुरू किया, आपके व्लॉग्स की आदत हो गई है। थैंक यू सो मच जरीना बेगम जी। जी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे व्लॉग पहले नहीं देखते थे, अब देखते हैं, और जब इंसान देखता है ना तो एक आदत बन जाती है व्लॉग देखने की। तो नेक्स्ट है रंजीत कौर का, पायल एंड गोलू की प्रेगनेंसी बहुत क्यूट लग रहे हैं, कभी किसी की नजर न लगे आपकी फैमिली को, गॉड आपकी फैमिली को हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच रंजीत जी, और आप लोगों की दुआएं रहेंगी, हमें कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। और देखो नजर लगने का डर होता ना तो हम अपनी प्रेगनेंसी को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे डालते ही नहीं, क्योंकि नजर से तो पत्थर भी टूट जाता है। तो पर आप सभी लोगों का इतना सारा प्यार है ना हमारे ऊपर कि हमें कभी नजर नहीं लग सकती। तो नेक्स्ट है सविता सचदेवा का, लवली फैमिली भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे, आप सब साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, आपका व्लॉग देखे बिना दिन अधूरा सा लगता है। थैंक यू सो मच सचदेवा जी। नेक्स्ट है बॉन्ग बीतू का, हाय पायल दी आपकी एक्टिंग जस्ट टू गुड, चीकू इज टू क्यूट, लव यू चीकुड़ी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चीकू, वो चीकुड़ी जो है मैंने प्यार से नाम रखा हुआ था, आप लोगों को सबको बहुत ज्यादा पसंद आया, तो काफी कमेंट्स में चीकुड़ी बोलते हैं आप लोग, अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरा नाम अच्छा लगा। तो नेक्स्ट है जीसी मस्ती व्लॉग्स का, पायल दी यू आर अ मास्टर शेफ। थैंक यू सो मच, मास्टर शेफ तो नहीं हूँ, वो बहुत बड़ा ओहदा है, क्योंकि उनके हाथ में तो मतलब ये लगा लो स्वाद ही होता है, पर जितना भी कर सकती हूँ मैं करती हूँ अपने लिए, घर के लिए, और चीज में बस ये है अगर आप प्यार से चीज बनाओगे ना तो वो चीज अपने आप ऑटोमेटिक टेस्टी बन जाती है। तो आज का लास्ट कमेंट है मोनिका सहारन का, स्वीट फैमिली स्पेंडिंग टाइम टूगेदर अलॉन्ग विद टीम दैट्स लवली, मी एंड माई सिस्टर ऑलवेज वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर योर व्लॉग्स, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग ऑलवेज। ये बात तो बिल्कुल सच है मोनिका जी, हम ना अपनी टीम के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम की बात हुई तो ही बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, और मतलब कि ना जब भी टीम होती है ना तो हम हमेशा पूछते हैं भैया आप खाना खा लो, आपने खाना खाया, किसने नहीं खाना खाया, तो हमारा ध्यान हमेशा रहता है अपनी टीम की तरफ, ये नहीं कि काम करा खत्म। हम घूमने भी जाते हैं, मूवी भी देखने जाते हैं, तो सारे साथ में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं गाइस, अभी हम शादी में भी गए थे, तो सोचो आप शादी में जाना होता है तो कितना, आप खुद भी सोच सकते हो आना जाना, वहाँ रहना, खाना पीना 7 दिन, क्योंकि हम शादी वाले घर में नहीं रुके थे, हम लोग सब होटल में रुके थे। तो हम लोग अपनी फैमिली ही मानते हैं हमारी टीम को, और टीम जब तक टीम को फैमिली ना मानो ना तो जो काम, जैसे अभी हम जिस ऊंचाइयों पे पहुंच रहे ना वो ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए सबको साथ लेके चलना चाहिए। और वो लोग भी अपना अपना घर छोड़ के हमारे पास रह रहे हैं, काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, तो फिर उनको भी ऐसा लगना चाहिए ना कि वो अपनी फैमिली में रह रहे हैं। तो बस आज का जो कमेंट है यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जिसने गाना नहीं देखा है जल्दी जाओ नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गाना देख लो, बाय बाय, टेक केयर।